लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। चार चार गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतनी सारी पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे दो आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया। खेसारी लाल यादव इतना ज्यादा मायूस इससे पहले आई थिंक कभी नहीं हुए हैं। इतना ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेट आप कह सकते हो खेसारी लाल यादव कि किसी चीज़ को लेकर वो अपनी इंडस्ट्री से एक उम्मीद रखते हैं और इंडस्ट्री वाले उनके साथ यहाँ तक कि हाल चाल तक पूछने से नदारद होते। आखिर क्यों क्यों खेसारी लाल यादव का नेपाल में जो शो है क्या क्या कहा पहले वो देखते हैं। हो जाता है, बट एक चीज मुझे दो दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। आखिरकार खेसारी लाल यादव ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से नेपाल में इतना बड़ा विवाद हुआ, इंडिया से बाहर, इंडिया में नहीं बल्कि बाहर, और इंडस्ट्री का कोई भी लोग खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में नहीं आया कि भाई खेसारी जी आप ठीक हो या फिर नहीं हो, खेसारी लाल यादव को फोन तक लोग करने से नदारत रहे, ऐसा क्यों? हालांकि खेसारी लाल यादव ने कहा है कि कुछ लोगों का कॉल आया है, वो आप जरा सुन लीजिए। अब पूरी इंडस्ट्री दो लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा, विजय लाल यादव जी मानिए हमारे कवि जी, एक दो प्रोड्यूसर जो थे मेरे जो अपने हैं उन्होंने भी मैसेज किया। तो देख लिया, खेसारी लाल यादव ने कहा कि आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, विजय यादव और कवि जी के साथ साथ और भी कई लोगों का उन्होंने नाम लिया जो प्रोड्यूसर लोग हैं, लेकिन और लोग कहाँ हैं? जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का शो को बर्बाद करने की कोशिश किया जाता है, या फिर जिस तरीके से आप कह सकते हो कि खेसारी लाल यादव का विवाद हो जाता है, क्या इंडस्ट्री के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? और इस तरीके से खेसारी लाल यादव का दिल टूट गया, आखिरकार इतना इमोशनल, आखिर क्यों? क्यों खेसारी लाल यादव को लोग टारगेट कर रहे, क्यों खेसारी लाल यादव को लोग सोच रहे थे कि वहां एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती। ये लोग इंडस्ट्री में लोग दिमाग में बैठ के घूम रहे हैं, लेकिन आज का जो लाइव स्ट्रीम वीडियो है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही खेसारी लाल यादव ने लाइव स्ट्रीम किया है, उससे देख के सिर्फ यही लग रहा है कि वाकई में ही यहाँ पर ही कुछ भी हो जाए, लोग सपोर्ट करने के लिए या फिर एक ट्वीट करने के लिए, नेपाल गवर्नमेंट तक को ट्वीट करने के लिए कोई नहीं खड़ा है, ना कोई बोलने के लिए, यहाँ तक कि हाल चाल बोलने की बात तो दूर, यहाँ तक कि कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं होने वाला है। इस तरीके से मुझे नहीं लगता है, लगता है कि सारे लोग, विवाद एक अलग मैटर है, आपस में गाने को लेकर वो होती है आगे पीछे की है, भाई हर किसी का गाना बजना चाहिए, आप कुछ नया धुन लेके, लेकिन जिस इस तरीके से जब एक बहुत बड़ा, चार चार गाड़ियाँ, उनकी टीम को अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार, हालचाल भी नहीं पूछा भी नहीं जा सकता, क्या लगता है इंडस्ट्री के लोग खेसारी लाल यादव के साथ खड़े हैं या फिर नहीं? कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।